पिछले वीडियो में हमने एक ही शेप से तीन कैरेक्टर्स कैसे बनाते हैं और उसे कलर कैसे करते हैं वो देखा था। आज के वीडियो में हम कूल लेडीज का कैरेक्टर कैसे बनाते हैं और इंडियन डार्क टोन कैसे डालने चाहिए वो देखेंगे। सर हमने बनाए हुए थे, आज हम ये लेडीज का कैरेक्टर बनाने वाले हैं। तो मैं ब्रश नंबर 4 से, मतलब 4 साइज का ब्रश लेके उसे आउटलाइन करने जा रहा हूँ। वो एक लेडीज का कैरेक्टर हम करने जा रहे हैं, तो उसकी आंखें थोड़ी बड़ी होनी चाहिए क्योंकि आंखों से ही उसका अट्रैक्टिवनेस दिखता है, और उसके लिप्स भी थोड़े से बड़े दिखाने चाहिए। जो मैं करने जा रहा हूँ वो नंबर 4 से करने जा रहा हूँ, ब्रश नंबर 4 से करने जा रहा हूँ। अगर अच्छी तरह से दिखाइए, जो उसकी आँखें हैं वही उसका मेन पॉइंट है। सो उसकी आँखें हैं जो थोड़ी सी बड़ी दिखाइए। मैंने यहाँ पे एक ही आईब्रो का कॉपी करके उसे दूसरी जगह पे पेस्ट किया है। उसके कान में ईयर रिंग्स दिखाए हैं। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भूलिए मत, वो अच्छी तरह से दिखाइए। यहाँ पे मैंने लासो टूल का इस्तेमाल करके वहाँ पे सर्कल निकाला और उसकी एक आँख मैंने लासो टूल का इस्तेमाल करके दूसरी जगह पे कॉपी की है। यहाँ पे मैं जो अननेसेसरी लाइंस आई हुई है वो डिलीट कर रहा हूँ, वो इरेज कर रहा हूँ। और हमने जो पिछले वीडियो में पार्ट 1 में जो कैरेक्टर बनाया है, जो इंडियन कैरेक्टर बनाया था, उसे हम डार्क टोन देने जा रहे हैं। इंडियंस का जो रंग होता है वो थोड़ा सा डार्क होता है, थोड़ा सा ब्राउनिश होता है, तो वही कलर हम इस कैरेक्टर को देंगे। मैंने यहाँ पे ब्रश के सेटिंग्स में जाकर उसे थोड़ा सा टेक्सचर दिया है, आप भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्राउन कलर यूज किया है और यहाँ पे जिस जगह पे शेडो आएगी उस जगह पे मैंने वो ब्राउन कलर के पैचेस डाले हुए हैं, और उसके आगे मैं उनको मर्ज करने वाला हूँ। तो जिस जगह पे शेडो आएगी ऐसा आपको लगता है, उसी जगह पे आपको वो ब्राउन के पैचेस डालने हैं। आपकी शेडो कहाँ पे आएगी वो पहले आप देखिए और वहीं पे वो ब्राउन के पैचेस डालिए। मैंने स्किन टोन्स के पैचेस डाले हुए हैं और वो मैं मर्जिंग ब्रश से मर्ज कर रहा हूँ। मर्जिंग ब्रश कहाँ पे मिलता है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आप ब्रश टूल पे होल्ड करके रखेंगे तो आपको तीसरा ऑप्शन, मतलब मर्जिंग ब्रश मिलेगा, जहाँ पे ओठों को भी मैंने ब्राउन कलर दिया है। मतलब ये बिल्कुल ही ब्राउन नहीं है, ये थोड़ा सा रेडिश ब्राउनिश कलर है। यहाँ पे मैं हाईलाइट देने के लिए वाइट कलर का यूज कर रहा हूँ। जब कोई लाइट आपके स्किन पे पड़ती है और वो रिफ्लेक्शन देती है, वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। जो लाइट पड़ती है उसके साइड में मैं थोड़ा सा डार्क डार्क टोन ले रहा हूँ, उसकी वजह से उसे राउंडिटी आ रही है। और सभी कलर जो आप पैचेस उसमें डाल रहे हो वो सभी कलर अच्छे से मर्ज करना ना भूलें। अगर आप मर्जिंग अच्छे से नहीं करोगे तो आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं दिखेगा। मैं उसको नेक को रेंडर कर रहा हूँ। नेक को रेंडर करने की भी वही प्रोसेस है, जहाँ से लाइट आ रही है वहाँ पे लाइट कलर डालिए। पहले उसको मिडल टोन डाल के लीजिए, बाद में लाइट कलर, शेडो और डार्क टोन। शेडो सबसे बाद में आएगी, शेडो सबसे आखिर में आएगी। उसके दांतों को मैं वाइट कलर दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ से थोड़े से येलोइश दांत दिखाए हैं मैंने, क्योंकि कुछ कुछ लोगों के दांत थोड़े से येलोइश होते हैं, तो मैंने येलोइश दांत यहाँ पे दिखाए हैं। उसके बालों को मैं ब्लैक कलर से थोड़ा सा मर्ज कर रहा हूँ। आपको वो ब्राउनिश दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा ब्लैक कलर भी मौजूद है। तो अब बारी आती है इस लेडीज की, तो इस कलर करने के लिए मैंने थोड़ी सी डिफरेंट टेक्निक यूज की है। मैं स्किन टोन अच्छे से डाली हुई है,
सिर्फ प्लेन स्किन टोन रख लीजिए। मैंने ब्लैक का टोन दिया है और वो लेडीज है इसलिए उसका थोड़ा सा फेयरनेस दिखाया है, उसको थोड़ा सा गोरा दिखाया है मैंने, और टोन वाइज मैं कलर भरते हुए जा रहा हूँ। ये मैंने पिंकिश कलर लिया हुआ है और उसमें मैं डाल रहा हूँ। ये मैंने ग्राफिक आर्ट जैसे होता है वैसे ही मैं टोन डालते हुए जा रहा हूँ, सिर्फ टोन से ही काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। मैंने उनके उसके लीफ को रेड कलर दिया हुआ है और व्हाइट कलर से मैंने हाईलाइट दिखाई हुई है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंडियन कैरेक्टर की आंखें कर रहा हूँ, ग्रे और ब्लैक कलर का मिश्रण करके मैंने थोड़ा सा ग्रेडियंट दिखाया है और बाद में ग्रे और ब्लैक कलर मैंने उसका रेंडरिंग किया है और बाद में उसमें ब्लैक सर्कल दिखा के उसे रेंडर किया हुआ है। अब मैं उस लेडीज की आंखें भी करने के लिए गया हूँ, उसकी भी वही प्रोसेस है। अब जब उस पर हाईलाइट डालते हो तो वो उभर के आती है। मैं बिल्कुल भी मर्जिंग नहीं किया है, आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ टोन से काम चलाया है। मैंने जैसे बाकी के दो कैरेक्टर्स में मर्जिंग किया है वैसे इस कैरेक्टर में मर्जिंग नहीं किया है, मैंने सिर्फ टोन डाली है। वो टोन सिर्फ मैंने उस पर मर्जिंग ब्रश थोड़ा सा घुमाया है, बस मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो इस तरह से हमारे दोनों कैरेक्टर्स कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।